Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is CV Forensics. So friends, हम फाइबर की बात कर रहे थे और उसी की सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं बर्निंग टेस्ट ऑफ फाइबर एविडेंस की. इससे पहले मैंने आपको पूरा एग्जामिनेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था और यहाँ पर उसी में जो कुछ मैंने छोड़ा हुआ था उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बर्निंग टेस्ट ऑफ फाइबर एविडेंस की और इसमें बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि जब भी हमें क्राइम सीन पर फाइबर एविडेंस मिलता है तो उसका बर्निंग टेस्ट हम कैसे करते हैं, बर्न करने पर हमको जो जो रिजल्ट आता है उसको हम एग्जामिन कैसे करते हैं और उससे जो रिजल्ट्स मिलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा फाइबर होगा. ठीक है, तो इसके लिए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के वीडियो को. सो बर्निंग टेस्ट ऑफ फाइबर सैंपल को यहाँ पर मैंने चार्ट की हेल्प से अच्छे से तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हुए अच्छे से पूरा डिस्कस किया हुआ है. तो यहाँ पर ही आपके सामने पहला चार्ट है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें उन फाइबर्स की दैट आर बर्न्स बट नॉट सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग फाइबर्स, दैट मीन्स इसमें जनरली सेलुलोजिक फाइबर्स आते हैं. सेलुलोजिक फाइबर कौन कौन से होते हैं? सेलुलोजिक फाइबर्स जनरली वो फाइबर्स होते हैं जिनको कि हम वेजिटेबल फाइबर्स कहते हैं, जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि जितने भी वेजिटेबल फाइबर्स होते हैं उन सभी का जो मेन कॉम्पोनेंट होता है वो सेलुलोज होता है. तो दोज फाइबर्स दैट आर बर्न्स बट नॉट सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग फाइबर्स जनरली सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं. अभी इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे. पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी किसी फाइबर का टेस्ट करते हैं तो उसको हम पहले तो जब बर्न करेंगे तो कैसे करेंगे. मान लीजिए कि आपको बर्न करके देखना है, तो अगर आप एक कैंडल से कर लें या फिर किसी भी चीज़ से कर लें, अगर आप मान लीजिए कोई फ्लेम है, ठीक है, तो सबसे पहले अपने फाइबर को बस थोड़ा सा पास में लेके जाएंगे. आपकी जो हीट होगी, जो आपके मान लीजिए कैंडल में जो लाइट हो रही है, तो अगर आप फ्लेम के पास लेके जाएंगे बहुत ही धीरे धीरे करके लेके जाएंगे तो उसमें आप पहले तो चेंजेस देखेंगे, वो मेल्ट हो रहा है, बर्न हो रहा है, चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है. ठीक है, तो आप पहले तो बस उसकी सिर्फ हीट से देखेंगे, उसके बाद में उसको वो पूरा उसको हीट में ले जाएंगे ताकि वो पूरा बर्न हो जाए. उसमें फिर देखेंगे स्मेल किस तरह की आ रही है, उसके बाद में जो उसका ऐश मिलेगा तो वो आपको किस तरह का मिल रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बर्निंग टेस्ट जब करते हैं तो इन सारे चीज़ों को एक मतलब फ्लो में आप देखते हैं. मतलब ऐसा नहीं करते हैं कि आप डायरेक्टली उसको बर्न कर देंगे, ऐसा नहीं. पहले उसको हीट में थोड़ा सा देखेंगे, देन उसको बर्न करेंगे. बर्न करने पर जो स्मेल आ रही है उसको भी आप अच्छे से एग्जामिन करेंगे, उसके अलावा जो आपको ऐश मिल रहा है उसका भी आप पूरा एग्जामिनेशन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी बर्न्स नॉट सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग फाइबर्स की. तो इनको जो है यहाँ पर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है. पहले तो वो हैं जो कि बर्न होते हैं एंड चार होते हैं. सो इसमें क्या है, कोई भी वो फाइबर जो बर्न होता है, बर्निंग का तो मतलब पता है आपको सभी को, ठीक है, जलता है. एंड देन चार होता है. चार का क्या मतलब होता है, जो फाइबर होता है या किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें तो वो पार्शियली बर्न होता है. ठीक है, कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है, पार्शियली बर्न होता है. एंड उसकी जो सरफेस होती है वो डार्क सरफेस हो जाती है. ठीक है, तो इस तरह से होता है चार. तो जो फाइबर से बर्न होते हैं चार होते हैं, वो जो है उसमें अगर हम रेसिड्यू देखें तो अगर उनका जो रेसिड्यू आ रहा है फाइन ग्रे ऐश आ रही है, उडर जो उसमें आ रही है वो बर्निंग पेपर एंड लीव्स, मतलब बर्निंग पेपर, बर्निंग लीव, बर्निंग वुड जैसी आ रही है, तो वो आपके जो फाइबर हो जाएगा उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, या तो वो कॉटन है, या तो वो फ्लैक्स है, या तो वो रेयन है और विस्कस है. ठीक है, तो ये तो हो गई कॉटन, फ्लैक्स, रेयन या फिर विस्कस की बात. ठीक है, तो अगर आप ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं तो वो आपका इनमें से कोई एक फाइबर होगा. ठीक है, देन अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाएं तो फाइबर्स दैट आर बर्न्स एंड मेल्ट्स श्रिंक्स फ्रॉम फ्लेम. तो वो फाइबर्स जो बर्न करते हैं, मेल्ट होते हैं और फ्लेम की वजह से श्रिंक करते हैं. ठीक है, तो उसमें अगर हम रेसिड्यू देखें तो रेसिड्यू जो इनका होगा, बचा हुआ जो पोर्शन मिलेगा ऐश की अगर हम बात करें, तो वो जो मिलेगा वो डार्क कलर का मिलेगा. हार्ड सॉलिड बीट्स होंगे, मतलब ये मेल्ट करेगा, मेल्ट करेगा तो वो सॉलिड का सॉलिड कुछ एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है, तो उसको हम बीड बोलेंगे. तो यहाँ पर जो बीड मिलेगा वो सॉलिड होगा, हार्ड होगा और डार्क कलर का होगा. ठीक है, और अगर हम ओडर की बात करें तो जो ओडर होगी इसमें वो बर्निंग पेपर या फिर विनेगर की होगी. ठीक है, तो अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल रही है तो आपका जो फाइबर होगा वो पॉसिबिलिटी है या तो वो एसीटेट होगा या ट्राई एसीटेट होगा, या हो सकता है कि इनका कोई और मतलब इनको अगर आप ट्रीटमेंट करके कुछ मॉडिफिकेशन किया गया हो तो उनसे जो फाइबर बना हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो फाइबर्स हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर तो बात हो गई बर्न्स नॉट सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग फाइबर्स की, दैट आर सेलुलोजिक फाइबर्स. ठीक
ठीक है, तो अभी हम इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग फाइबर्स। सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग फाइबर्स को भी यहाँ पर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। तो अगर हम पहली कैटेगरी की बात करें तो दोज फाइबर्स विच आर मेल्ट एंड बर्न्स एंड श्रिंक्स अवे फ्रॉम फ्लेम, तो वो सभी फाइबर जो मेल्ट करते हैं, बर्न होते हैं और श्रिंक करते हैं फ्लेम की वजह से, तो वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो उसमें जो रेसिड्यू पोर्शन होगा वो हार्ड होगा, क्रीम कलरलेस बीड होगा, बीड जो होगा डार्केस्ट एफ ओवर हीटेड। सो इसमें जो आपका बीड मिलेगा वो डार्क कलर का नहीं होगा, क्रीम कलर का कोई भी कलरलेस बीड होगा। ठीक है, अगर उसको ज़्यादा आप हीट कर देंगे, ओवर हीट करेंगे, तब वो आपका डार्क हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जब हमने बर्न्स बट नॉट सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग फाइबर वाले में बात करी थी तो वहाँ पर मैंने आपको बोला था वो फाइबर्स जो मेल्ट करते हैं, बर्न करते हैं, श्रिंक करते हैं, उनका जो रेसिड्यू था वो हार्ड था, बीड बन रहा था, लेकिन जो बीड था वो डार्क कलर का था। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जो बीड बन रहा है वो क्रीम कलर का कलरलेस बीड बन रहा है। ठीक है, जब अगर आप उसको ओवर हीट करेंगे तब वो डार्क होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद में अगर हम उडर की बात करें तो उडर जो यहाँ पर आएगी वो आएगी सीलेरी लाइक। ठीक है, तो अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल रही हैं तो पॉसिबिलिटी है आपका जो फाइबर है वो नायलॉन होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर फाइबर्स बर्न्स ब्रीफली एंड चार्स श्रिंक्स अवे फ्रॉम फ्लेम, तो वो सभी मतलब जो फाइबर होते हैं वो बर्न करते हैं, कम्प्लीटली बर्न होते हैं, चार भी होते हैं कभी कभी, और कभी कभी क्या होता है उसमें मतलब फ्लेम अगर उनको लग रही, हीट लग रही है तो उसकी वजह से वो श्रिंक भी होते हैं। तो इस तरह से अगर आपका जो रेसिड्यू मिल रहा है वो ब्लैक है, हॉलो बीड मिल रहा है जिसको कि हम इजीली क्रश कर सकते हैं किसी भी पाउडर के फॉर्म में, तो वो जो आपका तो मतलब इस तरह का अगर रेसिड्यू मिल रहा है आपको, ब्लैक है, हॉलो बीड है जिसको क्रश करने पर हमें पाउडर मिल रहा है, तो उसके भी दो कैटेगरी हो सकती हैं। अब अगर उसमें आपको जो ऊडर है, वो ऊडर आपकी अगर आ रही है, स्मेल जो आ रही है वो स्ट्रॉन्ग बर्निंग हेयर की आ रही है, तो जो आपका फाइबर हो जाएगा वो वूल हो जाएगा। लेकिन अगर जो स्मेल आ रही है वो आ रही है बर्न्ड और चार्ड मीट की, तो आपका जो एग्जाम वो फाइबर हो जाएगा वो सिल्क फाइबर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम मतलब सेम है वही चीज़, अगर बर्न हो रहा है और चार हो रहा है, श्रिंक हो रहा है फ्लेम की वजह से, तो जो रेसिड्यू है आपका ब्लैक है, हॉलो बीड है जिसको क्रश करने पर पाउडर के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह का कुछ बन रहा है तो उसमें भी जो स्मेल आएगी वो दो तरह से आ सकती है। अगर जो स्मेल आ रही है वो बर्निंग हेयर की आ रही है तो वूल हो जाएगा। बर्निंग हेयर के क्यों? क्योंकि जो वूल होता है वो आपका शीप का हेयर ही तो होता है, इसको कि ट्रीटमेंट करके वूल बनाया जाता है। ठीक है, और अगर आपकी जो स्मेल आ रही है वो बर्नट या फिर चार्ड मीट की आ रही है तो वो आपका जो फाइबर हो जाएगा सिल्क हो जाएगा। सिल्क आपको पता है किस तरह से बनता है? ठीक है, वो जो कैटरपिलर होता है उसके जो प्यूपा होता है तो उससे आपका वो पूरा सिल्क का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हम उसमें प्यूपा को किल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस वजह से इसमें जो है स्मेल आएगी वो चार्ड मीट या फिर बर्नट मीट की आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो बात हो गई सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग की। अभी हम लास्ट चार्ट पर आ जाते हैं जो कि है दोज फाइबर्स डज नॉट बर्न। सो वो सभी फाइबर्स जो कभी भी बर्न नहीं होते हैं, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं ग्लास फाइबर्स एंड एस्बेस्टॉस। ठीक है, तो यहाँ पर सारे तरह के फाइबर्स लगभग कंप्लीट हो गए हैं, सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग, बर्न्स बट नॉट सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग एंड दोज फाइबर्स विच डज नॉट बर्न, नेवर बर्न कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए तो वो मैंने इस वाले चार्ट में इस टेबल में इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो सेलुलोज फाइबर्स हैं उसके अगर हम फ्लेम की बात करें, अप्रोचिंग फ्लेम, तो इट डज नॉट इट डू नॉट श्रिंक फ्लेम, बर्न्स रेडिली विदाउट मेल्टिंग, मेल्ट कभी भी नहीं करता है, बर्निंग आउटसाइड द फ्लेम, बर्निंग आउटसाइड द फ्लेम कंटिन्यू टू बर्न आफ्टर ग्लो। ठीक है, एंड स्मेल की बात करें तो उसे बर्निंग हेयर जैसी स्मेल आती है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट ग्रे एश। देन वूल और सिल्क की बात करें तो कर्ल अवे, कर्ल हो जाता है, बीड बनाता है। ठीक है, एंड बर्न स्लोली स्प्यूटर एंड सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग है, बर्निंग हेयर है, इजिली क्रशेबल, ब्लैक बीड है। एस्बेस्टॉस की बात करें तो कभी भी श्रिंक नहीं करता है, कभी भी बर्न नहीं होता है, सिर्फ वो ग्लो होता है। जैसे ग्लो दैट मीन्स, जैसे आपने देखा होगा अगर आयरन को, आयरन का कोई पार्ट है, आयरन का कोई पीस है या आयरन किसी भी तरह का मतलब लोहा है आपके पास,
उसको आप हीट करते हैं तो वो बर्न नहीं होता है, लेकिन वो ग्लो करता है रेड कलर का। जितना ज़्यादा आप उसको हीट करेंगे वो उतना ज़्यादा ग्लो करता है रेड कलर का, ठीक है। तो इसी तरह से जो मिनरल फाइबर्स होते हैं, जो एस्बेस्टोस होता है, वो कभी भी बर्न नहीं होता है, वो सिर्फ ग्लो होता है। इसी तरह से अगर आप ग्लास फाइबर की बात करें तो वो भी कभी भी बर्न नहीं होता है, वो ग्लो होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो फ्लेम रहता है, अगर आप उसमें फ्लेम के आउटसाइड अगर बात करें, तो उसका जो हीट करने के बाद में जब आप बाहर ले आएंगे तो उसके बाद में भी उसमें उसका जो शेप रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा। इसमें किसी भी तरह की कोई भी स्मेल नहीं आएगी, एंड जो रेसिड्यू होगा कोई रेसिड्यू नहीं मिलेगा इसमें। जैसा वो पहले होगा वैसे ही वो बाद में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम पॉलिस्टर की बात करें, तो पॉलिस्टर जो है जब फ्लेम के पास आप लेके जाएंगे तो श्रिंक करेगा। फ्लेम मतलब जब उसको हीट कर देंगे, पूरा फ्लेम के अंदर आप ले जाएंगे, तो वो मेल्ट करेगा, बर्न करेगा, स्लोली स्लोली ड्रिप होगा, ठीक है। मतलब मेल्ट करेगा तो मेल्ट के फॉर्म में कुछ ड्रिपिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा ना, बीट्स बनेंगे। तो मेल्ट करेगा, मेल्ट करेगा तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट हो गया तो गिरेगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो वही बोला गया है इसमें ड्रिप्स, ठीक है। अगर अब उसके बाद में जब आप फ्लेम से बाहर ले आएंगे उसको, तो वो कंटिन्यूस बर्न होता रहेगा, हीट ड्रिप करता रहेगा, एंड मे एक्सटिंग्विश बिकॉज ऑफ ड्रिपिंग, ठीक है। क्योंकि उसमें देखिए हीट तो वो हो ही चुका, मेल्ट हो रहा है, तो जितना पोर्शन हीटेड है तो वो तो उतना तो धीरे धीरे मेल्ट होता ही रहेगा, और उसके अलावा साथ में बर्न भी है, तो वो कंटिन्यूस बर्न भी होता रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसमें स्मेल की बात करें, तो इसमें स्मेल आती है स्वीट स्मेल ऑफ पॉलिस्टर, सॉरी स्वीट स्मेल ऑफ ईस्टर, ठीक है। पॉलिस्टर में जो स्मेल आएगी वो आएगी ईस्टर की, ठीक है। और रेसिड्यू की बात करें, तो रेसिड्यू इसका होता है हार्ड टफ ग्रे बीड। फिर हम नायलॉन पे आ जाते हैं, तो नायलॉन पे भी सेम है, जो इसमें लिखा हुआ है श्रिंक फ्रॉम फ्लेम, तो इसे भी वही हो जाएगा। यहाँ पर भी मेल्ट करता है, बर्न होता है, स्लोली ड्रिप होता है। यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, जब आप फ्लेम के बाहर लाएंगे तो बर्न होगा, ड्रिप होगा, मे एक्सटिंग्विश बिकॉज ऑफ ड्रिपिंग। यहाँ पर डू डू का मतलब है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज़ वही नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो स्मेल की बात करें, तो इसमें स्मेल आती है पंजेंट बर्निंग बीन्स की स्मेल आती है, एंड जो रेसिड्यू होता है वो हार्ड टफ लाइट कलर का हमको रेसिड्यू मिलता है, ठीक है। देन प्रोपाइलिन की बात करें, वो भी सेम है, श्रिंक करेगा फ्रॉम फ्लेम से, एंड फ्लेम के अंदर लेके जाएंगे तो वो मेल्ट करेगा, बर्न करेगा, एंड स्लोली ड्रिप होगा। बिहेवियर की बात करें, जब हम फ्लेम के बाहर ले आए तो वो कंटिन्यू बर्निंग उसमें कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। फिर अगर हम स्मेल की बात करें, तो इसमें जो स्मेल आएगी वो आएगी बर्निंग प्लास्टिक की। और अगर हम इसके रेसिड्यू की बात करें, तो ये हार्ड होगा, टफ होगा, टैन बीड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा रेसिड्यू में। फिर हम लास्ट में बात कर लेते हैं एक्रेलिक फाइबर की। तो एक्रेलिक फाइबर को भी जब हम फ्लेम के पास में लेके जाते हैं तो वो भी श्रिंक करेगा फ्लेम की वजह से। फ्लेम में लेके जाते हैं मतलब फ्लेम में, जस्ट फ्लेम पे ही है वो, उसको जला रहे हैं हम, उसको बर्न कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उस टाइम पर बर्न होगा रीडली स्प्यूटर्स, ठीक है। देन बिहेवियर आउटसाइड द फ्लेम, जब फ्लेम के बाहर उसको लेके आ जाते हैं तो वो कंटिन्यू अपना बर्निंग कंटिन्यू रखता है। और इसमें हम स्मेल की बात करें, तो जो इसमें स्मेल आती है वो एक्रिड स्मेल आती है। एक्रिड स्मेल मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंस स्मेल होती है, बहुत स्ट्रांग स्मेल होती है उसमें, जो कि अनप्लीजेंट होती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसको हम बोलते हैं एक्रिड स्मेल, ठीक है। और इसके अगर हम रेसिड्यू की बात करें, तो रेसिड्यू इसका जो होता है वो इरेगुलर हार्ड हार्ड ब्लैक बीड बनता है, ठीक है। इरेगुलर पैटर्न का बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हार्ड हार्ड तरह का ब्लैक कलर का आपका बीड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई जो कि फाइबर्स बचे हुए थे, और जो कॉमनली फाइबर्स हमको देखने को मिलते हैं क्राइम सीन पर, जो कि जनरली हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लगभग सारे ही तरह के फाइबर्स मैंने कॉमनली ऑप्टेंड फाइबर्स जो कि क्राइम सीन पर मिलते हैं मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, इनको समझ लीजिएगा, रटना नहीं है, बस इनको समझेंगे ना आप तो ये सारी चीज़ें अपने आप आपके माइंड में क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। इनको कभी भी रटने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि रटने की कोशिश करेंगे तो जो आता होगा ना वो भी चला जाएगा। इसलिए इसको आप मतलब प्रैक्टिकली इसको रिलेट करने की कोशिश करिए ना, तो वो सारी चीज़ें अपने आप से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैंने सारी ही डिटेल्स अच्छे से डिस्कस कर ली है, जितना भी बर्निंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए सब कुछ यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में हम बात करेंगे सॉल्वेंट टेस्ट की, सॉल्युबिलिटी की, फाइबर की सॉल्युबिलिटी टेस्ट की, ठीक है।
तो ये वाला वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।